I would like to introduce. I would like to introduce. ये कोई भी जैसे आपको पता ही होगा ये वीडियो उठा के यहाँ पर आप अपनी टाइमलाइन पर डाल लीजिए। अब वीडियो के अंदर आपको कुछ इफेक्ट देने हैं। मैं सिर्फ वीडियो ट्रांजिशन की बात करूँगा यहाँ पर, सिर्फ वीडियो ट्रांजिशन। देखिए यहाँ पर आपका ये जो है प्रोजेक्ट इन्फो इफेक्ट मार्कर हिस्ट्री, इस वाले आप टास्क में आइए, टूल ले लीजिए या सी कमांड से ले लीजिए। यहाँ पे कट डाल लीजिए कहीं कहीं, ये 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 और ये, ठीक। अब मूव टूल को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए आप इफेक्ट में, आपको वीडियो ट्रांजिशन देखिए जैसे 3D मोशन देनी है। मान लीजिए अभी ये ऐसे चल रहा है, देखिए ये बिल्कुल सीधा चल रहा है, ये विधि का विधान है, देखिए सीधा चल रहा है। मान लो मैं इसकी जरा आवाज खत्म कर दे, चलिए छोड़िए आवाज साइलेंट कर दी मैंने। अभी 3D देखिए, जैसे यहाँ से आप करेंगे इसको, यहाँ पर डालेंगे तो ये क्यूब स्पिन कहलाएगा, और ये देखिए ये छोड़ कर जा रहा है, ये यानी कि ये सीन एक के बाद इसको पुश कर रहा है, ये ठीक। ये हुआ एक ट्रांजिशन। दूसरा देखिए कर्टेन, यानी कि पर्दे की तरह ही काम करेगा, ये देखिए ये इसे पर्दा बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से आप डोर डालेंगे तो देखिए ये कुछ इस अंदाज से, समझ रहे हैं बात आप। अच्छा यहाँ पर आ जाइए फ्लिप ओवर, ये और ये देखिए ये। अब आप मान लीजिए इसकी जो ट्रांजिशन की टाइम घटा बढ़ा सकते हो, ए यहाँ आ जाइए उस ट्रांजिशन पर अगर आप राइट क्लिक कीजिए, कह रहा सेट ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अब मान लीजिए ये जो है 1 सेकंड पर है, इसमें आप अगर टाइम इसका बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये धीमी हो जाएगी, ये मैंने इस तरह से करा। अब देखिए अब क्या डिफरेंस देता है ये देखिए, अब पहले के मुकाबले थोड़ा हल्का फ्लिप हुआ है। और आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से कराना चाहते हैं फिर राइट क्लिक कीजिए अपनी सेट ट्रांजिशन पे। अब मैंने यहाँ पे 2 सेकंड ट्रेनिंग दिया था, तो ये 2 सेकंड नहीं होता, उससे भी कम होता है। मान लीजिए आप यहाँ 0 सेस कर दिया मैंने, ये देखिए पता भी नहीं चलेगा, अब इतना फास्ट हो चुका है कि झटके से एकदम ये। तो आप इस तरह से बहुत फास्ट मोशन दे सकते हो अपने ट्रांजिशन को। अच्छा आपको मान लीजिए अच्छा नहीं लग रहा तो आप या इसको सेलेक्ट कीजिए और क्लियर कर दीजिए, वहाँ से हट जाएगा, आप नया लगा सकते हो। मान लो आपने ये लगा लिया, ये देखिए ये फोल्ड अप इस तरह से आ रहा है, ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें स्पिन में आ जाइए, ठीक देखिए ये स्पिन अवे ले लीजिए, और हाँ इसको कट पर ही डालना है, ये डालने सब कट पर ही है, जहाँ पर ये कट डाले होंगे कट टू कट, बिना कट के काम नहीं करेगा। अब मैंने ये सारे ट्रांजिशन हटा दिए हैं ताकि मैं कुछ और भी दिखा सकूँ। कुछ और के लिए आप मान लीजिए 3D मोशन में था, अब मैं डिजोल्व में करता हूँ, देखिए एडिटिव डिजोल्व, ये बहुत अच्छा है। इससे दूर एक सीन से दूसरे सीन में जाने पर ना पता ही नहीं चलता, ये देखिए आप ये जैसे कट पड़ा हुआ पता ही नहीं चलेगा कट का, जी थोड़ा सा ये अलग हो रहा, दोबारा दिखाता हूँ। क्रॉस डिजोल्व देखिए आप, ये देखिए पता ही नहीं चलता कि सीन कहाँ चेंज हो, कैसे ये मतलब झटका से हमें बचना हो। जैसे झटके से मुराद ये है कि देखिए यहाँ पर आप आइए, मान लीजिए मैं
कहीं मोशन पकड़ रही है इसकी, यहाँ पर मोशन आ रही है, यहाँ मोशन आ रही है। मैं इतना सीन जो है डिलीट कर रहा हूँ इसके अंदर से, ये अब देखिए इसके झटके को महसूस कीजिए यहाँ पर, ये देखिए झटका है, मतलब स्ट्रोक आया था, दोबारा स्ट्रोक को समझिए पहले, देखिए एकदम एक स्ट्रोक बना, देखिए ये अचानक से सीन चेंज हुआ। अब ये सीन जो है हम चाहते हैं पता ही चले, तो क्रॉस डिजोल्व मैंने यहाँ पर डाला, और ये देखिए अब देखिए देखिए अब पता नहीं चला, वैसे रहेगा वही सीन के अंदर हम थे, ये मिक्स करता उसको दोबारा समझिए, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कट डाल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी शांत खड़े थे, चलिए कहीं और समझते हैं, और समझते हैं, एक झटका देखिए, मान लो यहाँ से कट मार दो, ये अब देखिए इधर, ये देखिए ये झटका लग रहा है, झटका से महसूस हो रहा है, ये तो अब क्रॉस डिजोल्व में आ जाइए, और ये अब देखिए ये वो पता नहीं चलता उसमें झटके का, तो हमको क्रॉस डिजोल्विंग करना बहुत अच्छा लगता है। और देखते हैं हम डिप करते हैं, डिप टू ब्रेक, और अच्छा है ये थोड़ा सा समझ पहले, ये सीन को ऐसे मतलब मिस कर रहा है एकदम, जैसे कि कोई फ्लैश जल गई हो या कुछ आ गया हो, ये तो ये क्या सोचते हैं फिल्म डिजोल्व में आ जाएगी, ये इसको लगाने से सीन अनचेंज ही रहता, नॉन एडिटिव रैंडम इनवर्ट, देखिए इसको उल्टा करेगा, ये अलग ही तरह का आयरिस में आ जाइए, आयरिस बॉक्स, ये कुछ पता नहीं, आयरिस इस स्टार, तो भैया यहाँ से सिर्फ मैं जो है अभी एक इंट्रो दे रहा हूँ इन चीज़ों का, इन पर मैं डीपली काम कर दिखाऊंगा, अभी सिर्फ एक इंट्रो समझिए, इंट्रोडक्शन समझिए प्रीमियर के ट्रांजिशंस वगैरह का, ठीक है? तो बस सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ डेली मिलेगा।